रेवाड़ी से मौजूदा विधायक कापड़ीवास के टिकट कटने के बाद में चुनावी मुकाबला और दिलचस्प हो चुका है। कापड़ीवास का टिकट कटना और बीजेपी का नया चेहरा सामने आना पार्टी के राह का रोड़ा बन सकता है। 73 साल की उम्र में निर्दलीय उतरे कापड़ीवास से हमारे संवाददाता कुलदीप पठानिया ने बातचीत की। R9 टीवी पर स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ रेवाड़ी से निर्दलीय बनकर विधायक की दौड़ में दौड़ चुके हैं कापड़ीवास जी, जो कि पहले बीजेपी से ही विधायक थे। अच्छा, ये बताइए कि आप निर्दलीय बन गए हैं। पिछली गली में लग रहा था कि हमारा नेता कैसा हो, चिरंजीवी जैसा हो, और इस गली में जैसे हम घुसे हमारा नेता कैसा हो, कापड़ीवास जैसा हो। नहीं, ये तो जनता जो है अपनी अपनी सोच है, उनके साथ आदमी है वो ये कहेंगे, हमारे साथ आदमी है वो ये कहेंगे। ये तो अच्छा, कैप्टन यादव जी थे पीछे, वो कह रहे थे कि एक 77 साल के हैं और मेरा लड़का बिल्कुल युवा है 33 साल का, वो भाग दौड़ करेगा आपके लिए या 77 साल का बुजुर्ग भाग दौड़ करेगा आपके? उनकी भाषा गलत है। अच्छा, वो कहते मेरी उम्र अब 73 साल है, पहले बात स्टेटमेंट गलत है। दूसरा ये है कि आज मैंने अग्रसेन चौक से रोड शुरू किया था 6 बजे के बाद, 7 बजे, और पूरे मार्केट को क्रॉस करके आशीर्वाद सबका लेके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और जहाँ तक वो बूढ़े की बात करता है, मैंने भाई से एक बात कही थी, वो मेरा खास अच्छा भाई है, भाई अगर मुझे बूढ़ा समझता है तो कुश्ती कर ले, मजाक नहीं है। अच्छा नहीं, पर ये बताओ कि एक राव इंद्रजीत जी जो लगातार अपनी वर्चस्व की लड़ाई के लिए अब थोड़े थोड़े बदनाम होते जा रहे हैं, एक आपने जंग छेड़ दी है बीजेपी के, किया लुटिया डुबा के मानेंगे आप? क्या कहा आपने ये? राव इंद्रजीत साहब गलत कह दिया। राव इंद्रजीत साहब कभी बीजेपी के रहे ही नहीं, केवल सांसद और मंत्री बनने के लिए आए हैं। पलायन कर रहे थे थोड़े दिन पहले टिकट मिलने से पहले, पर मोदी की धूम मची तो डुबकी मार गए। नहीं, पर पिछली बार आपने कहा कि मोदी जी ने ही मुझे टिकट दिया और इस बार आपको टिकट नहीं दिया, अब तो 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया आपको। किसने कर दिया निष्कासित? पार्टी ने। मेरे को तो कुछ सूचना है नहीं। नहीं, हमारे तो व्हाट्सएप पे अब सर्कुलेट होने लग गया है कि 6 साल के लिए है। व्हाट्सएप की कोई, एक मिनट, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, व्हाट्सएप कोई ऑथेंटिक नहीं है। अरे कोई निष्कासित करता है तो कोई निष्कासित होगा तभी, हम निष्कासित होने वालों में नहीं है। अच्छा, 5 साल आपने 2014 से 2019 आप रहे विधायक, आपने कितना काम किया, कितने संतुष्ट हैं कि निर्दलीय भी मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं नहीं जीतना? आप देख नहीं रहे हो, ये तो खुद पता लगता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक पीछे बुजुर्ग के पीछे युवाओं की अच्छी खासी भीड़ है, ये जनता का बहुत ये प्यार है और ये अहंकारी नेता के खिलाफ आक्रोश भी है। तो ये जंग किसके खिलाफ है? राव इंद्रजीत के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, किसके खिलाफ? देखिए, इंद्रजीत ये कहना शुरू कर दिया कि ये चुनाव मेरा है, मैं लड़ रहा हूँ, नुक्कड़ सभाएं करने लग गया है, और अभी गली गली भी आएगा, तो ये चुनाव निर्दलीय और इंद्रजीत सिंह के बीच में है। मूंछों के ताव का चुनाव हो गया, अब ये आप अंदाजा लगाइए, अंदाजा हमें लगाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रेवाड़ी की जनता एक बार फिर निर्दलीय के तौर पर कापड़ीवास के साथ उतर चुकी है, लेकिन यहाँ ये समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से टिकट को लेकर, यहाँ पर टिकट की लड़ाई बहुत दिलचस्प थी। दरअसल राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन कापड़ीवास जो मौजूदा विधायक है उन्होंने उनके खिलाफ ही जंग छेड़ दी है निर्दलीय बनकर। बहुत दिलचस्प होता जा रहा है दिन ब दिन हरियाणा का ये चुनाव। इस वक्त मैं रेवाड़ी से कुलदीप सिंह पठानिया, कैमरामैन अर्शद खान के साथ R9 TV के लिए।